तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो एग्ज़ाम में आता है, वो है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है, ये रोज़ थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है, उसी के अंदर से एक थोड़ा नया चीज़ आ गया होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें इसमें भी एक फंक्शन होता है जिसमें क्लोज इंटरवल दिया होता है ए से बी। ठीक है, इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल ए से बी टेंस टू रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में से ये उसका डोमेन होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें भी चेक करना होता है पहले कि जो फंक्शन है, जो भी हमें फंक्शन होगा गिवन क्वेश्चन में, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए वही क्लोज इंटरवल में, वो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल ए और बी में। ठीक है, दो शर्त। उसके बाद अब तीसरा होता है कि अब पॉइंट ए और पॉइंट बी जो रोज थ्योरम में बराबर होना चाहिए था, यहाँ बराबर नहीं होता है। ठीक है, तब उसके बाद हम लेट करते हैं कि सम पॉइंट सी, कि देयर विल बी ए सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए और बी सच दैट कि पॉइंट सी पर, डेरिवेटिव में पॉइंट सी की वैल्यू लिख रखने पर, यानी जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहते हैं इसे, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन बी माइनस ए, जो कि एक स्लोप देता है, तो इस स्लोप के बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये चेक करना होता है। ठीक है, तो ये चेक करने पे जो भी आंसर आएगा उसको भी हम चेक करते हैं कि वो इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो आंसर आएगा इसको सोल्व करने पे सी की वैल्यू, अगर वो सी की वैल्यू इससे इंटरवल में बिलोंग करती होगी तो मीन वैल्यू वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ग्राफ का। तो अब मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ग्राफ में इसे ऐसे समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। ठीक है, और एक मान लेते हैं ये तीसरा ग्राफ है। ठीक है, वही ओ एक्स ऐसे ले लीजिए। ठीक है, और ये वाई मान लेते हैं, एक कर्व यूं जा रहा है। ठीक है, और एक कर्व यूं जा रहा है, और एक कर्व मान लेते हैं कि यूं जा रहा है। ठीक है, इंटरवल ले लेते हैं जैसे ए से बी, फिर इंटरवल ए से बी और इंटरवल ए से बी। तो इंटरवल ए से बी में अब ये पॉइंट ए है, तो ये जहाँ इसको टच करेगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा ए, और एफ ए ये भी इसको कहीं टच करेगा, मान लेते हैं यहाँ करेगा, तो ये जाएगा आपका पॉइंट बी, एफ बी इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये होता है आपका एफ ए, और इसको यहाँ मिलाएंगे तो होता है यहाँ पे एफ बी। तो साफ देख सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, और इसके हर पॉइंट पर हम एक अलग अलग स्लोप खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंशिएबल भी हुआ। और तीसरी शर्त कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, पहली शर्त क्या थी कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और पॉइंट बराबर नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट एफ ए पॉइंट ए पर बी पर वैल्यू बराबर नहीं, अलग अलग है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही मिलेगा आपको कि पॉइंट ए और पॉइंट बी वो अलग अलग है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा इसके अंदर, तो ये वाला पॉइंट मतलब डेरिवेटिव निकालना होगा, यानी हमें एक ऐसा टेंजेंट ढूंढना होगा, इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जो इन दोनों को मिलाने वाला जो सेकेंड लाइन है, तो इस लाइन का जो ये जो सेकेंड लाइन है, इस सेकेंड लाइन का जो स्लोप है वो उस स्लोप के पैरेलल एक ऐसा लाइन आएगा जो किसी पॉइंट पर वो उस स्लोप का वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा इस सेकेंड के स्लोप के। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी होगा कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो सेकेंड लाइन होगा
तो कहीं ना कहीं इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो इस सेकेंड के स्लोप के पैरेलल होगा। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा यानी एफ डैश सी, वो बराबर होगा स्लोप के। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो किसी भी दो पॉइंट के, कोई लाइन है उस पर दो पॉइंट है, तो पॉइंट का स्लोप निकालना सीखा था आपने, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये रहा एफ बी, एफ बी में से घटा दिया एफ ए और फिर बी में से ए, तो ये रहा, ठीक है। तो ये इस वाले फॉर्मूले को लगाकर हमें एक पॉइंट सी मिलेगा, और वो चेक करना होगा कि वो इस इंटरवल में बिलोंग करती हो, तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी होगा, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट एक बी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो इस लाइन का ये जो सेकेंड है इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, तो वो ना इस कर्व के बीच में कुछ सम पॉइंट सी होगा। सम पॉइंट सी मतलब एक ही पॉइंट नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी मान लो जैसे यहाँ दो पॉइंट हो गए, तो एक हो जाएगा आपका यहाँ से सी वन, ये भी पैरेलल हो सकता है इस सेकेंड के, और ये हो सकता है इसके पैरेलल, तो इसीलिए एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है, वो है मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, और दिया है क्लोज इंटरवल 2 से 4। तो इसका पहले हम एक कर्व से समझते हैं कि क्या ये एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, तो यानी क्या ये इंटरवल 2 से 2 से और 4, 2 से 4 के बीच में क्या ये कंटिन्यूस है। तो दिख रहा है पेंसिल बिना उठाए खींच सकते हैं, कंटिन्यूस है, और इसके हर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएबल भी है, और पॉइंट 2 पे और पॉइंट 4 पे वैल्यू अलग अलग आएगी। 2 पुट करेंगे तो 4, और 4 पुट करेंगे 16, यानी अलग अलग आएगी। तो 3 शर्तें पूरी हो गई, ठीक है। तो लिख देंगे एग्जाम में पहला पॉइंट, ठीक है। तो नंबर 1 लिख देंगे पहले कि जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस, ठीक है, लिख देंगे फंक्शन कंटिन्यूस है एट क्लोज इंटरवल 2 और 4। दूसरा लिख देंगे जो फंक्शन है इज डिफ्रेंशिएबल है, ठीक है, एट ओपन इंटरवल 2 और 4। और तीसरा लिख देंगे एफ पॉइंट 2 पे वैल्यू बराबर नहीं है पॉइंट 4 पर, ठीक है। उसके बाद लेट कर लेंगे कि लेट सम पॉइंट सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी और सच डेट, और ऐसे बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइड में बी माइनस ए, ठीक है। तो उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, तो एफ डैश एक्स कितना जाएगा 2x, तो आप यहाँ लिख दोगे 2x, और बी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 4, तो 4 पुट करोगे, तो एक बार 4 पुट करोगे और एक बार 2 पुट करोगे, और यहाँ लिखोगे 4 घटा 2, तो 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 का एक्स स्क्वायर, 4 पुट करेंगे तो 4 चौक 16 घटा 2 का स्क्वायर 4 और बटे 2, ये जाएगा आपका 12 बटे 2, एक कट के 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x की वैल्यू आ जाएगा 6, और 2 से कट जाएगा x की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यानी ये वो पॉइंट सी यानी 3 है जो सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 2 और 4 के बीच में। देखो 2 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो लिख देंगे सो मीन वैल्यू थ्योरम यानी मीन वैल्यू थ्योरम MVT इज अप्लाइड, कि वो अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, तो एग्ज़ाम में आएगा तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सबका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।